आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कश्मीर वाले बयान पर राहुल का यू टर्न, कहा कश्मीर में हिंसा के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की दो टूक, बात अब सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर ही होगी। शिवराज सिंह ने बोला कमलनाथ सरकार पर हमला, कहा हालात अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे। कश्मीर में 370 हटाए जाने से नाराज नक्सलियों ने की आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या। और भोपाल की केरवा नदी में बहे थे 3 युवक, एक बचाया गया, 2 के मिले शव। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। अपने बयान से कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को बोलने का मौका देने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब कश्मीर में हिंसा के लिए पाक को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि राहुल के इस बयान को अब भाजपा डैमेज कंट्रोल करार दे रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मंत्री ने राहुल के ताजा बयान को लेकर उन्हें कंफ्यूज्ड करार दे दिया है। राहुल गांधी के कश्मीर पर आए पुराने ट्वीट की हर किसी ने आलोचना की थी। राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा है कि सरकार के साथ कई मुद्दों पर असहमत हूं, लेकिन यह साफ कर दूं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी देश को इसमें हस्तक्षेप करने का हक नहीं है। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है कि कश्मीर में हिंसा है और इसको बढ़ावा और समर्थन पाकिस्तान द्वारा दिया जा रहा है। वही देश जो आतंकवाद को बढ़ाने के लिए दुनिया में जाना जाता है। राहुल के इस बयान पर पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट कर रिप्लाई दिया है और राहुल का कंफ्यूज्ड करार दिया है। साथ ही उन्होंने फैज अहमद फैज की सुबह ए आजादी गजल की लाइनें भी शेयर की हैं। फवाद चौधरी ने लिखा है, आपकी समस्या आपकी कंफ्यूज्ड राजनीति है। असलियत के करीब कोई उदाहरण ले, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह ऊंचे स्टैंडर्ड ले, जो भारतीय सेक्युलरिज्म की पहचान और उदार सोच के लिए पहचाने जाते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने 24 अगस्त को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद अपना वीडियो ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, कश्मीर के लोगों की आजादी और उनकी नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश के 20 दिन हो चुके हैं। विपक्षी नेताओं और मीडिया को ड्रैकोनियन प्रशासन का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही क्रूर ताकतें लोगों पर हमले कर रही हैं। राहुल गांधी ने इस बयान को पाकिस्तानी सरकार और मीडिया के हाथों हाथ लिया था, लेकिन भारत ने राहुल के इस बयान के लिए आलोचना हुई। खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में की अपनी शिकायत में राहुल गांधी के इस बयान का भी जिक्र किया है। इसके बाद कांग्रेस इस पर पूरे मामले में बैकफुट पर है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बयान जारी कर राहुल गांधी का बचाव किया है। कांग्रेस के बयान में कहा गया है कि हमने ऐसी खबरें देखी हैं जिनमें पाकिस्तानी सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में दी गई कथित याचिका के हवाले से राहुल गांधी का नाम शरारतपूर्ण तरीके से घसीटा गया है। राहुल गांधी पहले पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे, जो पाकिस्तान चाहता था और कहता था वो राहुल गांधी कहते रहे। धारा 370 हटाने के मामले में न श्रीमती सोनिया गांधी जी कुछ बोली संसद में, न राहुल जी का बयान आया। उल्टे कश्मीर में कोई ना कोई गड़बड़ हो ये प्रचार करते रहे इनके नेता और ये स्वयं। राहुल गांधी जी के इस तरह के कदम देश विरोधी कदम जैसे हैं। राहुल जी ये खेल बंद कीजिए, यू टर्न लेने की नौबत क्यों आई? और ये देश हित के मामले में बाहर ये संदेश देना बंद करो राहुल जी कि कश्मीर पे आपका दृष्टिकोण अलग है। देश हित के मामले में तो इकट्ठा रहो, एक रहो, कहते हैं और मौका देते हैं पाकिस्तान को, फिर बदलते हैं। भारत ने कश्मीर को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर ही होगी। उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया।
कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी बढ़ गई है। पाकिस्तान की ओर से जहां लगातार भारत को उकसाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कई बार कोशिश कर चुका है। इस बीच देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बड़ा बयान सामने आया है। उपराष्ट्रपति नायडू ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा है कि भारत की अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो वह सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर ही होगी। उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया है। उपराष्ट्रपति नायडू आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नेवेल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी की गोल्डन जुबली के मौके पर बोल रहे थे। Citizens, we know that peace is the prerequisite for progress. They were talking about Kashmir, this to discuss, what is there to discuss in Kashmir. Kashmir is an integral part of India. There is something remains to be discussed, I do agree. The remaining thing to discuss is about with our neighbor is hand over the remaining part of Kashmir to us. That is POK. उन्होंने कहा कि हम युद्ध करने वालों में से नहीं हैं, हम शांति प्रिय नागरिक हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस हफ्ते पहले दिए गए बयान के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का यह बयान सामने आया है, जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान से तब तक कोई बात नहीं होगी जब तक वह आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करता है और आतंकवादी गतिविधियों को मदद देना बंद नहीं करता है। बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हल्ला बोला और कहा मध्य प्रदेश के अंदर अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हालात बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्री जी ही टीआई के रेट बता रहे हैं, 50 लाख महीने के मुख्यमंत्री मौन बैठे हैं, चारों तरफ लूट मची है, नदियां खोद डाली हैं, पहाड़ खोद डाल रहे हैं, ये अजब सरकार है, इस लूट को रोके मुख्यमंत्री जी, इसे ही अंधेर नगरी और चौपट राजा कहते हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं के धरने प्रदर्शन पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं, कमलनाथ जी इस पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें, आईजी पैसा वसूलने का कह रहे हैं, कलेक्टर नियम ढूंढने की बात कह रहे हैं, कमलनाथ जी मजाक बना दिया है आपने, क्या फिर से आपातकाल लगाना चाहते हैं, जनता की आवाज को कुचलना चाहते हैं, लोग परेशान हैं तो सड़कों पर आएंगे। टीआई के 50 लाख महीने के मंत्री मौन बैठे, चारों तरफ लूट मची है, लूट, नदियां खोद डाली, पहाड़ खोदे डाल रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक बंधे, ये मंत्री कह रहे हैं, यह जब सरकार इस लूट को रोके मुख्यमंत्री और उनके पदाधिकारी आरोप लगा रहे कि वो तो मंत्री करवा रहे हैं। अब ये कौन कर रहा है, इसी को तो अंधेर नगरी और चौपट राजा कहते हैं। मैं कमलनाथ जी से ये मांग करता हूं कि अपना दृष्टिकोण तो स्पष्ट करें। आईजी कह रहे हैं कि मैं वसूल लूंगा पैसे, कलेक्टर कह रहे हैं मैं नियम ढूंढ रहा हूं। कमलनाथ जी मजाक बना दिया आप, क्या फिर से आपातकाल लगाना चाहते हो, जनता की आवाज कुचलना चाहते हो, अगर लोग परेशान है तो सड़कों पे आएंगे। उन्होंने कहा लोकतंत्र में आंदोलन करना, सरकार से मांग करना ये हमारा अधिकार है, इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश स्वर्गीय इंदिरा जी ने आपातकाल लगाकर की और परिणाम भुगता, अगर जुर्माना लगाने की कोशिश की तो चेतावनी और चुनौती दोनों देता हूं कि बिना अनुमति के इतने जुलूस निकलेंगे कि हम इतने आंदोलन करेंगे कि हम देखें किस किस पर जुर्माना लगाते हैं, पता नहीं ये कौन सी मानसिकता के हैं। बारिश के कारण बड़ी मात्रा में सोयाबीन की फसल खराब हो गई है और किसानों को उनका हक दिलवाने के लिए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कमलनाथ सरकार द्वारा 2 लाख का कर्ज माफ करने समेत कई अन्य समस्याओं का जिक्र भी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल कलेक्टर को किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में अधिक बारिश होने के कारण किसानों की सोयाबीन फसल खराब हो जाने और किसानों का 2 लाख का कर्ज तत्काल माफ करने की मांग की गई। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सिर्फ किसानों के साथ छलावा करती रही है। उन्होंने अभी भी 2 लाख का कर्ज माफी की जो बात कही थी वह अभी भी पूर्ण नहीं किया गया है। ऊपर से अधिक बारिश होने के कारण सोयाबीन की फसल भी खराब हो गई है। उन्होंने
तत्काल किसानों के नुकसान का आंकलन कर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि फसल खराब हुई है, उसका सर्वे कराया। मैंने किसान भाइयों को बताया कि ऑलरेडी हम ये आदेशित कर चुके हैं और इसका पूरा सर्वे किया जाएगा, जो उनका नुकसान उसके लिए उनकी सारी मदद। सर्वे चालू हो गया है, मैं ऑलरेडी आदेशित कर चुका हूँ। सही है, 2 लाख रुपए का किसान का कर्ज माफ भी नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी हम चाहते हैं माननीय कमलनाथ जी सोयाबीन का सर्वे कराओ, 40,000 रुपए पर एकड़ से किसानों को इसका कम से कम मुआवजा दिया जाना चाहिए। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सब किसानों के साथ आकर दिया है, कलेक्टर महोदय ने हमारी बात विधिवत सुनी है। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों के हित में सरकार और प्रशासन निर्णय लेंगे। धारा 370 हटाए जाने से नाराज नक्सलवादियों ने एक आरएसएस कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया है। इस दौरान नक्सलियों ने एक बार फिर जमकर उत्पात मचाया है। दुर्गू कोंडल के कोंडे गांव में नक्सलियों ने आरएसएस कार्यकर्ता दादू सिंह कोरेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोंडे गांव में नक्सलियों ने दादू सिंह पर पुलिस के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए पर्चे भी फेंके हैं। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक शाम करीब 7:20 से लेकर 25 हथियारबंद नक्सली कोंडे गांव में घुस आए और दादू सिंह कोरेटी को अपने साथ ले गए और उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कोयलीखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जुंगाड़ा में हथियारबंद नक्सली श्यामनाथ आंचल के घर पहुंचे और घर से उठाकर उसे अपने साथ ले गए। जनअदालत लगाकर नक्सलियों ने युवक पर पुलिस मुखबरी का आरोप लगाया और युवक की डंडे से पिटाई की और मौत के घाट उतार दिया। इसमें पहले भी उन्होंने वहां शव के पास पुलिस की मुखबरी का आरोप लगाते हुए पर्ची छोड़ी और एक बैनर भी लगाया जिस पर कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया गया है। घटना की पुष्टि करते हुए अनंतगढ़ एसडीओपी पुपलेश्वर कुमार ने बताया कि गांव में लगभग 25 से 30 वर्दीधारी नक्सली पहुंचे हुए थे और जन अदालत लगाकर ग्रामीण युवक की हत्या कर दी। मामले में अपराध पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। एक प्रेमी जोड़े ने शादी के लिए पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने दोनों प्रेमियों के परिजनों को समझा बुझा कर उनकी शादी करवा दी। शादी भी पुलिस स्टेशन के परिसर में बहुत ही सादगी के साथ हुई। मामला मध्य प्रदेश के सिवनी का है। केवलारी थाना परिसर में प्रेमी ने युवती की मांग भरकर नव दंपत्य जीवन की शुरुआत की। दरअसल युवक के परिजनों की आपत्ति के बाद प्रेमी जोड़े ने शादी में आ रहे गतिरोध पर केवलारी पुलिस से मदद मांगी थी। पुलिस की समझाइश के बाद दोनों के परिजन मान गए और थाना परिसर में ही स्थित शिव मंदिर में गवारी गांव निवासी अरविंद कुमरे व सिवनी बरघाट निवासी राजकुमारी मर्सकोले का विवाह कराया गया। पूजन के बाद प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे को वरमाला डालकर अपना जीवन साथी बनाया। जानकारी के मुताबिक युवक अरविंद सोंसर चेकपोस्ट में आरटीओ आरक्षक के पद पर पदस्थ है, जबकि युवती राजकुमारी सिवनी के निजी स्कूल में शिक्षक के तौर पर कार्यरत है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच करीब 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन युवक के परिजन विवाह के लिए तैयार नहीं थे। इस मामले की जानकारी युवक व युवती ने थाना प्रभारी के अवस्थी को दी। युवक अपनी प्रेमिका के साथ सोमवार को केवलारी थाने पहुंचा। यहां टीआई के अवस्थी ने प्रेमी जोड़े के परिजनों को समझाइश दी कि दोनों बालिग हैं, ऐसे में वे अपना जीवन साथी स्वयं चुन सकते हैं। समझाइश के बाद परिजन विवाह के लिए राजी हो गए। इसके बाद थाना परिसर में ही युवक ने प्रेमिका की मांग सिंदूर से भरकर उसे मंगलसूत्र पहनाया। इस दौरान केवलारी थाने का स्टाफ और क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक,
पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हत्या का डर दिखाकर छतरपुर में रंगदारी वसूलने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस मामले में तमाम गवाह सबूत मिलने के बाद पुलिस ने 35 लाख रुपए फिरौती मांग करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन पुलिस ने लोहा के प्रतिष्ठित व्यापारी को फिरौती की चिट्ठी भेजकर रकम ऐंठने के मामले में खुलासा किया। सिविल लाइन थाने में लोहा व्यापारी पीयूष जैन ने शिकायत की थी कि उसके पिता की हत्या की दहशत दिखाकर 35 लाख की रंगदारी की मांग की जा रही है। इसी शिकायत के आधार पर जब पुलिस ने लोहा व्यापारी की दुकान में लगे CCTV कैमरों को खंगाला तो पता चला कि यह चिट्ठी एक सपेरे ने व्यापारी को दी थी। जब पुलिस ने इस सपेरे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा राज उजागर हो गया। व्यापारी को फुरैती की मांग कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के नेता प्रशांत पाठक ने अपना कर्जा चुकाने के लिए पत्र लिखकर की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पंकज जैन और पीयूष जैन अंदर लगा है, उन्होंने कंप्लेंट की थी कि उनको एक चिट्ठी लिखे गए जो 35 लाख रुपए की डिमांड की गई, अन्यथा उनको नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो इसमें तफ्तीश की गई, विवेचना की गई, जिसके द्वारा कैरियर के द्वारा जो चिट्ठी दी गई थी उस चिट्ठी को पकड़ा, उस कैरियर को पकड़ा गया और फुटेज और तमाम विवेचना के बाद में उस लड़के को जिसका नाम प्रशांत पाठक है उसको पकड़ा गया। उसने वो अपनी बुरी संगतों की वजह से कर्जे में डूबा हुआ है, उसने ये प्लानिंग करके इनको उस पुरानी घटना का भय दिखाकर पैसा इनसे वसूला जा सके, इस तरह का उसने घटना कर उसको पकड़ लिया गया, कार्रवाई की। भोपाल की केरवा नदी पर पिकनिक मनाने गए 3 दोस्त बह गए थे, जिसमें से एक को रेस्क्यू कर टीम ने तत्काल बचा लिया था, लेकिन बाकी 2 दोस्तों के शव ही वापस उनके घर पहुंच सके हैं। इस घटना के बाद केरवा इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। भोपाल में केरवा नदी में नहाने के दौरान 3 युवकों के बहने की घटना के बाद मंगलवार को पुलिस और प्रशासन चेत गया, लिहाजा केरवा डैम के चप्पे चप्पे पर अब पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। सोमवार को केरवा नदी में 3 युवक बह गए थे, इनमें से एक मुकेश कोचले को तो बचा लिया गया था। वहीं मंगलवार सुबह रेस्क्यू टीम को दूसरे युवक शंकर मंडलोई का शव मिल गया है, जबकि तीसरे मुकेश हिरवे का शव बुधवार को नदी से निकाला गया। इतनी बड़ी घटना के बाद भी लोग यहां के खतरनाक स्थानों में जाने से नहीं चूक रहे हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की पुलिस और होमगार्ड की टीम सुबह 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रेस्क्यू करती रही, लेकिन मुकेश का पता नहीं लग पाया है। वहीं उसके परिजन सुबह से आस लगाए बैठे थे कि कहीं उनका बच्चा मिल जाए। उसके पिता आस भरी नजरों से रेस्क्यू टीम की ओर देख रहे थे, तभी रेस्क्यू टीम को कुछ संकेत मिले और वे जल की तलहटी से मुकेश के शव को निकाल कर ले आए। थोड़ी से मौज मस्ती में ये 2 युवक असमय काल के गाल में समा गए। असली और नकली किन्नरों के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है। महू में जब असली किन्नरों को नकली किन्नर मिला तो उसकी अच्छे से खबर ली गई और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। महू के किशनगंज इलाके में जब असली किन्नर बाजार में निकले तो उन्हें एक नकली किन्नर लोगों से पैसे मांगता दिखा। इसके बाद असली किन्नर वहीं उतर गए और असली किन्नरों को देख नकली का पसीना छूट गया। फिर किन्नरों ने उसकी जमकर पिटाई की और पकड़कर पुलिस के पास ले गए। किन्नरों द्वारा विवाद का यह पहला मामला नहीं है। कुछ दिनों पहले भी यहाँ यही रेखाबाई नाम की एक किन्नर की दूसरे गुट के किन्नरों ने पिटाई कर दी थी। महू में यह विवाद काफी समय से हो रहा है। जब असली किन्नरों ने नकली को पकड़ा तो बाजार में भीड़ जमा हो गई। इसके बाद नकली की धुनाई करने के बाद असली किन्नर उसे कार में ही बैठा कर ले गए। ग्वालियर में SP की जनसुनवाई में एक किराना कारोबारी पर 37 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप उसके साथी और ट्रेडिंग कारोबारी ने लगाया है। SP ने पीड़ित ट्रेडिंग कारोबारी को वैधानिक कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिलाते हुए संबंधित थाना पुलिस को कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। SP की जनसुनवाई में पत्थर कटर के ट्रेडिंग कारोबारी श्याम सुंदर अग्रवाल और अशोक जिंदल अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। अशोक जिंदल ने बताया कि योगेश सिंघल और सुभाष मंगल ने उनके
और उनके साथी श्याम सुंदर अग्रवाल के साथ 37 लाख रुपए की ठगी की है। अशोक जिंदल ने पुलिस को बताया कि योगेश और सुभाष किराना कारोबारी हैं। इन्होंने फर्जी कोल्ड स्टोरेज की रसीद दिखाकर श्याम सुंदर अग्रवाल के साथ ठगी की है। एक श्री बाबा स्टोन के नाम से पत्थर की फैक्ट्री है, वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। वहाँ जो पत्थर बेचा करते थे सुभाष मंगल और योगेश सिंगल, मेरे उनकी फैक्ट्री पे मेरे को कटर देने का काम था, पत्थर काटने का, कटिंग कटर। वहाँ इनकी मेरी मुलाकात हुई, वहीं जो करते थे दलाली दाल बाजार की। तो मुझे नकली कोल्ड की रसीद है और मुझसे पेमेंट ले गए हैं, चेक दे गए हैं, और करीबन जो समझो कि 1.25 साल से पता नहीं चल गया। हम बोड़ापुर थाने में हमने रिपोर्ट डाली तो वहाँ पे कहते हैं कि ये पुरानी छावनी का केस, पुरानी छावनी वाले कहते हैं बोड़ापुर का केस। पीड़ित ट्रेडिंग कारोबारियों का कहना है कि वे शिकायत करने बोड़ापुर थाने जाते हैं और तो उन्हें मामला पुरानी छावनी का बताकर टरका दिया जाता है। मामला प्रयासों के बाद जब उन्हें उनके द्वारा दी गई रकम वापस नहीं मिली तो वह अपनी गुहार लेकर एसपी की जनसुनवाई में आए। वहीं एसपी नवनीत भसीन ने पीड़ित कारोबारियों की फरियाद सुनने के बाद तत्काल संबंधित थाना पुलिस को वैधानिक कार्यवाही कर मामले का निराकरण किए जाने के लिए निर्देशित किया। कुछ व्यापारी गण आए थे, उनका कहना था कि एक व्यापारी उनके साथ ठगी करके लगभग 37 लाख रुपए के आसपास नहीं वापस कर रहे हैं और कुछ पर्चियां भी गलत प्रिंट कर रहे हैं। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल मौके पर जाकर देखें किस कंप्यूटर से किस प्रकार की पर्चियां निकाली जा रही हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और क्या इसमें वैधानिक कार्रवाई हो सकती है, निराकरण। सरकारी स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारी शिक्षा देने के बजाय बच्चों से बर्तन साफ करवाते हैं। बच्चों से गंदे पानी में बर्तन साफ करवाए जा रहे हैं। जब स्कूल के प्राचार्य से इस बारे में बात करनी चाहिए तो वो हमेशा की तरह इस बार भी स्कूल से नदारद मिले। ऐसे में बच्चों का भविष्य अधर में नजर आ रहा है। मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, कुछ कीजिए और इन बच्चों की ठीक से पढ़ाई के इंतजाम करवाइए। सागर के उपनगर मकरोनिया में नन्हे मुन्ने बच्चों से यहाँ पदस्थ शिक्षक और समूह के कर्मचारी बर्तन साफ करवाते हैं, वह भी उस स्थान पर जहाँ से गंदे पानी की निकासी हो रही है। इस मामले में जब प्राचार्य से बात करने का प्रयास किया गया तो हमेशा की तरह स्कूल से गायब थे। बताया गया कि वो छुट्टी पर हैं। इन नौनिहालों से जिस तरह काम कराया जा रहा है उससे केवल प्रदेश सरकार की मंशा पर कुठाराघात नहीं हो रहा बल्कि मानवीय संवेदना पर भी कुठाराघात हो रहा है। इस मामले में बीआरसी सागर से बात की गई तो उनका कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। मध्याह्न भोजन में स्पष्ट निर्देश है कि जो समूह वहां पर भोजन वितरण कर रहा है उनके द्वारा थालियां और जो भी बर्तन हैं उनको धोने का के निर्देश दिए गए हैं। शासन के द्वारा भी यही निर्धारित है, परंतु ये मकरोनिया स्कूल में ऐसा कैसे हुआ और हमारे शिक्षकों ने इसमें को ध्यान देना चाहिए, मैं उसको आज ही जांच कराता हूँ। इस मामले के दृश्य सामने आने के बाद लोगों की तल्ख टिप्पणियां सामने आई हैं। जांच कराए जाने की औपचारिकता के चलते न केवल सरकारी नुमाइंदों को बचाने की कवायद होगी बल्कि उन समूहों को भी बचाने का प्रयास होगा जिनकी मलाई पर शिक्षा विभाग के लोग ऐश करते रहते हैं। शायद यही वजह है कि इन नौनिहालों को भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद इस तरह बर्तन धोने के लिए मजबूर किया जाता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपकी सरकार किसानों के हित में बातें बहुत कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। एक किसान ने अपने दर्द, अपनी पीड़ा एक गीत के जरिए व्यक्त की है। इस किसान का निवेदन है कि कर्ज माफ किए जाएं और समर्थन मूल्य दिया जाए। मध्य प्रदेश में किसान परेशान है, सरकार किसानों की मदद की बात कर रही है। किसान राजनीति के केंद्र में है, इसके बावजूद किसान को राहत नहीं मिल पा रही है। मेरा गांव मेरा देश फिल्म के गाने मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए की तर्ज पर एक किसान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मदद की गुहार लगाई है। गाने में सोयाबीन की फसल की बर्बादी का जिक्र भी है और समर्थन मूल्य की मांग भी। वीडियो अशोक नगर स्थित खजूरिया गांव के किसान का है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गीत में किसान मुख्यमंत्री कमलनाथ को खेती की व्यथा सुनाकर मदद की अपील कर रहा है। ओ कर्ज माफ किया जाए, समर्थन मूल दिया जाए, हम पे कमलनाथ थोड़ा ध्यान दिया जाए। आई फसलों में ऐसी बीमारियां, सोयाबीन खेत के पीले हो रहे, भीख मांगते नहीं हक हमारा है, ये दाम फसलों का हमको उचित दे दो,
इंसाफ किया जाए, हमें लाभ दिया जाए। इस बेचारे किसान ने किसान ऋण माफी बोनस जैसी किसानों के हित की योजनाओं को जमीन पर उतारने की बात भी कही है। इस गीत को किसानों ने 100% सत्य करार दिया है। किसानों ने इस गीत को रिमझिम फुहारों के बीच अपने खेत में ही रिकॉर्ड किया है। अब बारी मुख्यमंत्री जी आपकी है, आप भी किसानों के लिए ऐसा कुछ कर दीजिए कि किसान आपको उलाहना देने के बजाय आपकी जय जयकार करते नजर आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।